योगी सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी बांदा जनपद में प्रशासन की सह पर अवैध खनन का बड़ा खेल खुलेआम चल रहा है। खनन माफियाओं की मनमानी इस कदर हावी है कि मानक के विपरीत नदियों का सीना छलनी कर दबंगई ने नदी की जलधारा प्रभावित कर बालू निकाल रहे हैं। कुछ खदानों पर तो फोकलैंड जैसी हैवी मशीनों से नदी के बीच जलधारा से भी बालू निकाल एनजीटी के नियमों के विपरीत खुलेआम बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। ये ढेर होगा वही 140 या 160 का एक बोरी 20 दिन भर में 300-400 कहीं काम ही नहीं चलता, काम ही नहीं मिलता, कहीं काम मिलता नहीं, काम में जाते नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले ले जाते, बिल्कुल कतई नहीं हो पा रही। और निश्चित रूप से इस बालू के न मुहैया होने की वजह से जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको उसका रोजगार नहीं मिल रहा, कारीगर है, लेबर है, उसको काम नहीं मिल पा रहा। और जो खासतौर पर इस समय जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उस पर प्रधानमंत्री जी आवास योजना पर फिक्स है कि 1,20,000 देना ही है, 1,10,000 जो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 50% तो उस गरीब का बालू पे ही चला जाता है। तो सारे आवास अधूरे पड़ रहे हैं या फिर वो दुकानदार के यहाँ से उधार सामान लेके अपना आवास किसी तरह से कम्प्लीट कर रहा है, क्योंकि उसे पूरी फोटो कम्प्लीट करके देनी है तभी उसका बजट मिल पा रहा है। इस स्थिति में वो गरीब आदमी और कर्ज के ऊपर दब रहा है या तो फिर किसी साहूकार से ब्याज का पैसा ले रहा है और उस दुकानदार का चुकता कर रहा, नहीं चुकता कर पा रहा तो दुकानदार से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे भी करके प्रेशर बनाता है दुकानदार अपना पैसा लेने के लिए। तो निश्चित रूप से इसका बालू का जो सिस्टम है वो 100% फेल है सरकार का, इसमें कोई दुराय नहीं। अवैध खनन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और यदि अवैध खनन को रोकना है तो सरकार को निश्चित रूप से एक्टिव एक्शन लेना चाहिए और उस पर कारगर उपाय करे ताकि सुव्यवस्थित ढंग से वो चल सके। और यदि नहीं हो पा रहा तो निश्चित रूप से सरकार और नेताओं की मिलीभगत का खेल चल रहा है।